52 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम निकालना सीखेंगे। वर्गमूल को बच्चों कैसे लिखते हैं, हम अपना अनरूट चेन के द्वारा लिखते हैं और यहाँ पर हम मेथड काम में लेंगे आपका भाग विधि। देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल है और यहाँ पर हम एक बार अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद चाहे इसके जगह आपको 53 दे दे, 54 दे दे, कुछ भी दे दें, आप इसका आराम से है जो अपना वर्गमूल निकाल पाएं। देखिए 52 है तो हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर आपका 52 से बड़ा ना हो। जैसे हम चेक करते गए 7 × 7 49, ये आपका 52 से बड़ा नहीं है। फिर हमने 8 × 8 लिया, कितना गया 64, यह देखिए आपका 52 से बड़ा आ गया। जैसे ही बड़ा आता है तो हमें वह क्या करना है, रुकना है, स्टॉप स्टॉप हो जाओ। किसको लेना है, इससे पहले वाली संख्या, यानी यहाँ पे किसको लिया हमने, 7 × 7 को, कितना होता है 49। इसको एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे, इसको जोड़ दिया और इसको घटा दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, गणित में आप जानते हैं किसी भी संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है। इन आगे के जीरो को काम में लेने के लिए मुझे इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब आगे के जीरो को मैं काम में ले सकता हूँ, यह कितना बन रहा है, 14। 14 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसी का गुणा करें, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक, कि आपका 300 से बढ़ाना है। चलिए कुछ ट्राई करते हैं। इसके साथ मैं लेता हूँ 2, 2 का गुणा करता हूँ, कितना आ गया 4, 8, 2। यदि 3 लेते हैं, 3 का गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, किसको लिया हमने, 2 को, तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद वही इसको जोड़ना रहता है और इसको घटाना रहता है, ऊपर से सिंपल है, आसान है, क्या बात करें यार, इतना आसान। देखिए 144 के साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि आपका इससे बड़ा ना है। एक लिया, एक का गुणा किया, फिर वही घटाना और जोड़ना करके आप आगे कंटिन्यू रहेगा। ये आपका क्या है, भागफल है, यानी वर्गमूल का वैल्यू है, कितना है, 7.21। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइए।